फेसबुक पर दोस्ती फिर शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी, फरार धोखेबाज मॉडल हुआ गिरफ्तार। मुंबई की कांदिवली पुलिस ने कैसे धोखेबाज आशिक को गिरफ्तार किया जो फेसबुक पर अच्छे अच्छे फोटो डालकर खुद को बिजनेसमैन बताता है। उसके फेसबुक पर मुंबई की हाई प्रोफाइल लड़कियों से पहले दोस्ती करता है, फिर प्यार करने का नाटक और फिर शादी का झांसा देकर उन लड़कियों से लाखों के महंगे मोबाइल फ़ोन गिफ्ट लेता है और बिजनेस में घाटा बताकर लाखों रुपए लेता है और फिर हो जाता है फरार। मालवण डिवीज़न के सहायक पुलिस आयुक्त शैलेंद्र धीवर ने बताया कि 26 अप्रैल को कांदिवली पुलिस ने एक युवक खिलाफ धोखाधड़ी और रेप का मामला दर्ज किया था। कांदिवली पुलिस की डिटेक्शन टीम ने आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से 3 मई को गिरफ्तार कर मुंबई लाई है। आरोपी का नाम कमलेश हरिराम सुतार उर्फ तनवीर है, जिसकी उम्र 33 वर्ष है। आरोपी 3 साल तक मॉडलिंग भी कर चुका है। आरोपी पहले भी एक लड़की से शादी करके उसे तलाक दे चुका है। उसके बाद कांदिवली में रहने वाली पीड़ित लड़की से फेसबुक पर दोस्ती कर उसके साथ धोखाधड़ी और शारीरिक संबंध बनाया। इतना ही नहीं, शादी का झांसा देकर आरोपी ने पहले 80,000 का मोबाइल फ़ोन गिफ्ट लिया और उसके बाद 1.5 लाख का फ़ोन गिफ्ट लिया और आरोपी बिजनेस में घाटा बताकर 55 लाख रुपये भी लिए। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि लड़की अपना घर बेचकर आरोपी की ख्वाहिश पूरी करती रही। बाद में लड़की को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। फिलहाल कांदिवली पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार कर इस बात की जांच कर रही है कि इसने और कितनी लड़कियों को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर धोखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7 नेशनल, मुंबई। असाधारण रेप करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, पूरा मामला क्या है? ये मामला ऐसा है, कांदिवली पुलिस स्टेशन में 26 अप्रैल को कांदिवली की रहने वाली युवती है, उसने बलात्कार, चीटिंग और ITI के तहत FIR दिया था। उसमें थोड़ा इसका मामला ऐसा है कि वो इसका जो अभियुक्त है, इसमें ये अभियुक्त ने फेसबुक पे एक फेक ID, गलत झूठे नाम से ID बना के इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और फ्रेंड रिक्वेस्ट से इनकी फ्रेंडशिप बढ़ती गई है। 2019 से इनकी फ्रेंडशिप चल रही थी 2022 तक, और उसके दरमियान उसको शादी करने का बहाना दिखाकर उसके साथ में उन्होंने शारीरिक संबंध भी रखे थे और बिजनेस के लिए उससे कम 55 लाख रुपये अभी तक उसने लिए हैं और कुछ महंगे वाले मोबाइल्स भी उसने लिए थे। और आखिर में उससे शादी उसने किया नहीं और दूसरी लड़की से शादी करने के बाद इसको पक्का हो गया कि ये शादी का बहाना बनाकर उसके साथ में ये सारी गलत बातें की है। इसके बारे में हमने गुना दाखिल किया है और इस गुने के तहकीकात के लिए आरोपी की खोज करने के लिए कांदिवली पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर है सूर्यकांत पवार, इनकी एक टीम स्थापित की थी। हमारे पुलिस उपायुक्त श्री विशाल ठाकुर सर, हमारे अपर पुलिस आयुक्त श्री वीरेंद्र मिश्रा सर, स्थानीय पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिनकर जाधव और मैं ACP, हमने सब उनको मार्गदर्शन करा के आखिर में इस जो आरोपी है उसको अहमदाबाद गुजरात से अरेस्ट कर लिया है। आरोपी क्या करता है, उसके ऊपर और भी कोई इस तरह के केसेस दर्ज है क्या? आरोपी जो है इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करने वाला है, अभी तक उसके खिलाफ कोई गुनाह सामने आए नहीं है, लेकिन इस गुने के तहकीकात में हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि इसने इस लड़की के अलावा और भी किसी लड़कियों को इस तरह से फंसाया है क्या।